गाइस, ये जो वीडियो है ना, ये बाइल्डनेस सीरीज़ की फिफ्थ वीडियो है। चार मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ये फिफ्थ वीडियो है। एंड ये आप लोग यूज़ करेंगे ना तो डेफिनेटली आपके हेयर की ग्रोथ होना बहुत ही फास्टली होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज इसमें सभी इन्ग्रीडियंट हैं वो हेयर ग्रोथ के लिए ही हैं। ओके, जो कि समर स्पेशल हेयर ग्रोथ प्रोटीन पैक लेकर आई हूँ मैं। ओके, हेलो एवरीवन, मैं हूँ चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज मैं बहुत ही स्पेशल समर स्पेशल प्रोटीन पैक लेकर आई हूँ। जितने भी इंग्रेडिएंट इस प्रोटीन पैक में डाले हैं, उन सभी इंग्रेडिएंट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। एंड प्रोटीन आपके बालों के लिए कितना ज़रूरी है आपको खुद को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मैं सब फ़ायदे बताऊँगी। देख लेते हैं इस पैक को कैसे बनाना है। समर स्पेशल हेयर ग्रोथ पैक है ये प्रोटीन पैक। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो और देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है मिट्टी का बर्तन। जी हाँ, हमें कोई भी मिट्टी का बर्तन ही लेना है और उसी के अंदर इसको हम आगे जो प्रोसेस है वो करेंगे, ठीक है। मिट्टी का बर्तन इसलिए लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड इससे हम जो भी चीज़ें इसमें डालेंगे उन सबकी तासीर है वो ठंडी हो जाएगी। चाहे उनकी तासीर गर्म भी हो लेकिन वो ठंडी हो जाएगी, ओके, क्योंकि हम मिट्टी का बर्तन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने लिया है सोयाबीन सीड, ठीक है। ये सोया सीड बोलते हैं इसे, ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, आप अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है। इतना प्रोटीन होता है कि आपको दूध, अंडा, मांस उससे भी नहीं मिलेगा जितना प्रोटीन अकेला इसमें सोया सीड्स में होता है, ठीक है। इसकी मैंने पूरी सीरीज़ अपने चैनल पर मैं लेकर आई हूँ, जिसके अंदर ऑयल पैक, जेल मैंने सब बनाया है, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग देख लेना, पूरा मैंने फोल्डर बना रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है सोया सीड जो कि बालों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बालों को लंबा करता है, क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन कैरेटीन के ही बने हैं। तो हमारे बालों का जो पोषण है, खाना है, वो प्रोटीन ही होना चाहिए ज़्यादा, जिससे हमारे बालों में हर प्रॉब्लम दूर हो सके। बालों का झड़ना है ना, हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है, हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यहाँ मैंने 2 चम्मच लिए हैं सोया सीड, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम इंग्रेडिएंट लेंगे गाइस, वो है मेथी दाना यानी फेनुग्रिक सीड। फेनुग्रिक सीड है, इसके अंदर निकोटेरिक एसिड होता है जो कि आपके बालों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। मतलब न्यू हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल जो गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, वो सब रुक जाता है, क्योंकि इसमें जो गुडनेस है ना वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे हैं एंड बालों को काला बना के रखता है ये। इसकी भी पूरी सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। जो सीरीज़ है वो सब मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ में, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करना। इसकी मैंने शैम्पू भी बनाया है, क्रीम बनाया है, ठीक है, जेल बनाया है, ऑयल बनाया है, टोनर है, सीरम है, सब चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ये बहुत अच्छा है, आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ को फिर से लेकर आएगा और बालों की झड़ना है ना, डैंड्रफ की शिकायत, इचीनेस की शिकायत सब दूर होने वाली है, क्योंकि ये इतना ही शानदार वाला रिजल्ट आपको देता है, ठीक है। तो इसके भी मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं। इसके नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं गाइस, वो है साबूदाना। साबूदाना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मेरी चैनल पे सब चीज़ें मैंने बहुत एक्सप्लेन करके आपको बताई है कि आपको हर चीज़ के फ़ायदे पता चलेंगे, है ना। साबूदाना जो होता है ना, वो आपके लंबे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप अपने बालों को तेज़ी से लंबा करना चाहते हैं ना, तो साबूदाना का पैक लगाइए आप लोग, ठीक है। मेरे चैनल पर है, प्लेलिस्ट के अंदर है, इसका फोल्डर है, साबूदाना सीरीज़ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और साबूदाना इसके अलावा आपके बालों में चमक लेकर आता है। आपके बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रेजी हेयर हैं, जिन लोगों के बहुत घुंघराले बाल हैं ना, कर्ली हेयर होते हैं ना, वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे स्ट्रेट हों। तो अगर आप रेगुलर साबूदाना यूज़ करते रहेंगे ना, वीक में 2 बार, तो 1 महीने में, मतलब आप ये समझ लो कि 8 से 10 बार अगर आपने 1 महीने में यूज़ कर लिया ना, तो काफ़ी हद तक आपके बाल हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे। साबूदाना इतना ज़्यादा बालों के लिए अच्छा है एंड बालों की ग्रोथ को भी बहुत तेज़ी से फास्ट कर देता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं इंग्रेडिएंट, वो है कलौंजी। कलौंजी के बारे में आपने सुना ही होगा, कलौंजी जो है वो दवाई का काम करती है। काफ़ी मेडिकेटेड जो प्रोडक्ट आते हैं ना, मेडिकेटेड दवाइयाँ, उनके अंदर कलौंजी यूज़ की जाती है। मतलब आपकी पूरी बॉडी में हर बीमारी के लिए कलौंजी असरदार होती है ना। तो कलौंजी जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है गाइज, उसमें होता है प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 एंड विटामिन B3 होती है, फोलिक एसिड
कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, फॉस्फोरस, ये सारी गुडनेस होती है कलौंजी में। एंड ये बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बालों के लिए क्या, हम पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी के लिए अच्छी है, तो कलौंजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपके हेयर की ग्रोथ के लिए। आपके बालों को काला बना के रखती है, बालों को घना बनाती है, जो आपके गंजा हिस्सा है ना सिर में, जहाँ जहाँ गंजापन आ गया है आप वहाँ पर भी इस कलौंजी को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी न्यू बाल हैं वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कलौंजी है इससे हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है, बालों की मोटाई है ना वो बढ़ने लगती है। काफ़ी कमेंट आते हैं कि हमारे बाल पर काफ़ी पतले हैं, तो आप कलौंजी सीरीज़ है मेरे चैनल पे वो देखिए और उसको यूज़ करिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो है सब्जा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है सब्जा, जिसे कि बासिल सीड्स बोलते हैं। एंड यहाँ पर आपको मार्केट में अगर चिया सीड मिलता है तो आप वो भी ला सकते हैं, ठीक है। चिया सीड और सब्जा है वो बिल्कुल सेम होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, बट आप वहाँ पर देख लीजिएगा, दोनों की तासीर ठंडी होती है एंड बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब्जा इसमें ऐड किया है, आप चाहें तो चिया सीड भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ये डाल दिए हैं। सभी इंग्रेडिएंट आप लोगों ने देख लिए मैंने कितने कितने डाले हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ बटर मिल्क। बटर मिल्क यानी कि जो छाछ होता है, ये छाछ कैसे निकलता है, ये दही से बनती है छाछ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, काफ़ी कमेंट आते हैं कि दी छाछ क्या होती है, तो जो बटर मिल्क यानी कि जो बटर से निकाला जाता है वो बटर मिल्क, मतलब समझ लो आप वो होता है, ठीक है। एंड इसके ये बहुत अच्छा होता है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है गाइस। बटर मिल्क में इतना प्रोटीन होता है कि आपके बालों में इतनी चमक लेकर आता है, शाइन लेकर आता है, बालों की ग्रोथ फास्ट करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर बटर मिल्क है ये एक, मतलब आप ये समझ लो 2-3 कप के करीब डाल दिया है, मतलब इतना डालना है कि सारी चीज़ें इसमें भीग जाए, ठीक है। अब इसे रात भर ओवरनाइट भिगाना है, रात भर ओवरनाइट आप इसे सोक करके रखिए, मॉर्निंग में आप देखेंगे तो ये सब कुछ है ना एकदम फूल जाएगा, फूल कर और ये इस तरह से पेस्ट टाइप बन जाएगा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेंगे बनाना। केला जो होता है उसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है, ठीक है। आपको पता है ये प्रोटीन पैक बना रही हूँ मैं, तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट प्रोटीन वाले ही इसमें इंक्लूड किए हैं, है ना। एंड सभी जिनकी तासीर ठंडी है, आप लोगों को बिल्कुल भी ये गर्म नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसे ओवरनाइट रख दिया था भिगा कर, और इन सब की जिनकी भी तासीर गर्म थी, जैसे फेनुग्रिक है, कलौंजी है, इनकी तासीर गर्म होती तो ये भी ठंडी हो चुकी है, ठीक है। तो इसे आप आराम से लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने एक बनाना ले लिया है। अब मैं ले हूँ ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। बेसन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों की लंबाई को इंक्रीज करता है, बालों की मोटाई को इंक्रीज करता है, बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करता है, बालों में चमक लेकर आता है, ठीक है। आपके बालों में जो वॉल्यूम है ना वो बनता है, भारीपन आता है, बाल हैं वो एकदम हेल्दी लगते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम ले रहे हैं आंवला पाउडर। आंवला जो होता है वो आपके बालों को काला बनाता है, लंबा करता है, घना करता है। आंवले के फ़ायदे आपको पता ही है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने आंवला लिया है। इसके बाद में मैंने 1 चम्मच रीठा लिया है। रीठा भी आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके जितने फ़ायदे, मतलब आप देखेंगे ना तो बहुत बहुत फ़ायदे हैं आपके बालों के लिए, इतने फ़ायदे हैं ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपके बालों की हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर आप ये प्रोटीन पैक रेगुलर लगाएंगे ना। अगर रेगुलर आप वीक में 2 बार लगा लोगे ना इस प्रोटीन पैक को, तो आप लिटरली अपने बालों में फ़र्क देखेंगे। आपके बालों की हर प्रॉब्लम दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में हमने शिकाकाई है, वो भी 1 चम्मच हम डालेंगे। शिकाकाई आपके बालों में चमक लेकर आता है, बालों को हेल्दी बनाता है ना। तो ये आंवला, रेठा, शिकाकाई के फ़ायदे तो आपको पता ही है। इसकी भी एक सीरीज़ है पूरी मेरे चैनल पर, जिसमें हर चीज़ मैंने दी है, शैम्पू दिया है, ऑयल दिया है, सब दिया है। फेनुग्रिक की पूरी सीरीज़ है, कलौंजी की सीरीज़ है, मैंने जितने इंग्रेडिएंट डाले ना उन सब की प्रॉपर एक एक सीरीज़ है, जिसमें मैंने बहुत सारी रेमेडी उनसे रिलेटेड डाल रखी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ एलोवेरा। एलोवेरा यहाँ प्लांट का मैंने लिया है, आप लोग भी हो सके तो प्लांट का लीजिए, क्योंकि हम सब इसमें अब नेचुरल चीज़ें ही डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 लीफ ली थी और उसका प्लांट का मैंने एलोवेरा जेल इसमें निकाल कर डाल दिया है। एलोवेरा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आपके बालों में चमक लेकर आता है, बालों में जो डैंड्रफ की शिकायत है ना स्कैल्प में, उसको हटाता है और बालों को लंबा और घना करता है। एंड इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं,
200 विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, 18 अमीनो एसिड्स, मतलब इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। तो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें डालने के बाद में अच्छे से थोड़ा सा वाटर ऐड किया है, पानी डालकर इसको मिक्स किया। अब हमें इन सबको ग्राइंडर में डाल के एक पेस्ट बनाना है, बहुत ही स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल दरदरा नहीं होना चाहिए। स्मूथ पेस्ट होगा तो वो आपके बालों में है ना, वो चिपकेगा नहीं। इसके बाद में अच्छे से मैंने इसको पूरा ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट रेडी कर लिया है, एंड बहुत शानदार रिजल्ट है गाइस इसका। आप लोग ज़रूर ज़रूर इसको यूज़ करके देखना। अभी हम दो थोड़े से इंग्रेडिएंट और इसमें डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है, एंड इसके बाद में अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल, एक चम्मच डालूँगी। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है, आपके बालों को नए बाल उगाने में हेल्प करता है, तो कैस्टर ऑयल अपने पास ज़रूर रखिए लाकर, एंड आपके सभी प्रॉब्लम को दूर करता है। मैंने इस कैस्टर ऑयल पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर वीडियोज़ में देख लेना, उसके अंदर प्रॉपर आपको सारे फ़ायदे पता चल जाएंगे इसके। इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल, जो कि आपको पता है कोकोनट ऑयल हमारे हेयर के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, बालों में एक चमक लेकर आता है, बालों को हेल्दी बनाता है ना, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव बनाता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे हमारे हेयर ग्रोथ फास्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों ने देख लिया है, हेयर ग्रोथ प्रोटीन पैक बनकर रेडी है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बनाना गाइज, एंड आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं इससे, एंड आप लोग सब लगाना, बिकॉज ये प्रोटीन पैक है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन ही है, एंड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो रात में आपने ऑयलिंग की है तो भी लगा सकते हैं, एक घंटे लगाना है, वीक में इसे दो बार लगाइएगा, और लगाने के एक घंटे बाद शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि शैम्पू मत करिए, नॉर्मल वाटर से धोइएगा, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सबके साथ में शेयर करिए। देखिए सबकी प्रॉब्लम है, एंड आप किसी के साथ शेयर करोगे ना, वो बहुत खुश हो जाएगा कि आपने उसको कितनी अच्छी चीज़ दी है, ठीक है। तो सबके साथ शेयर करिए। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।